अगर सीधा सिलेक्शन किया था तो प्रेसिडेंट वही थे, क्यों करते थे? उनसे पूछ लेते, उन्होंने क्यों सीधा सिलेक्शन किया? और आज तक कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो कि हमने ट्रायल ना दिया हो? ट्रायल तो आप लोग मीडिया के कवर भी करते हैं, ट्रायल में प्रूफ करके ही जाते हैं, ट्रायल में बाहर के खिलाड़ी तो आते नहीं कि वो उनको हरा के हम बाहर जाते हो, हम इंडिया के खिलाड़ियों को हरा के बाहर जाते हैं। और वो बोल रहे हैं कि इनमें से कोई मेडल नहीं जीतेगा, सभी मेडलिस्ट यहाँ बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट तो यहाँ बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट बैठे हैं। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि स्पेशल कमेटी बनाई जाए खिलाड़ियों से, कि भाई खिलाड़ियों की उसमें राय हो कि कौन आपके साथ न्याय करवा सकता है। तो हम भी न्याय ही चाहते हैं इसमें, हम ये नहीं चाहते कि भाई इसमें दोबारा से ऐसी चीज़ें घुसे, क्योंकि हम कुश्ती को दोबारा से जिंदा करने के लिए आया। क्या वो बैठ के डिसीजन लेंगे मैडम? जब भी डिसीजन लेंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे, और वो जब FIR होगा तो आप लोगों को जरूर पता लगेगा, ये नहीं कि वो छुपी रहेगी वो बातें। भूषण सिंह का आरोप है कि जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, और ये आरोप लगाने वाले खिलाड़ी 1% भी नहीं है। तो वो आप देख सकते हैं, जो आज इंडिया में जो करीम है वो यहाँ धरने पे बैठी है, रवि है, दीपक है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है 2020 में, मेरा रवि का मेडल आया था 2016 में, तो यहाँ पे सभी खिलाड़ी मेडलिस्ट नेशनल के चैंपियन, वो बोल रहे थे कि नेशनल का कोई, यहाँ पे अभी जो नेशनल चैंपियनशिप उसमें 6-7 गोल्ड मेडलिस्ट अभी यहीं बैठे हैं। वो मैंने बताया, हमने अपनी मांगे रखी हैं और वो जरूर हमें उम्मीद है कि वो पूरी, अभी जब भी समय मिलेगा, जब भी हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, समय है, मंत्री जी ने हमें बोला कि आप कभी भी आओ बात करने के लिए, हम उसका समाधान निकाल रहे हैं, पर हम चाहते हैं हम एकजुट होके जो मांग है सभी, ये अकेले मेरा फैसला नहीं है, ये सभी खिलाड़ियों का फैसला है। आगे धरना कंटिन्यू रहेगा बचित भाई, धरना हम तो ब्रजभूषण जी का सामने इंतजार कर रहे हैं, कब वो सामने आए, वो तो भाग रहे हैं, तो हम उनका कोई इंतजार नहीं कर रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो चीजें हमने बताई हैं और हम विद प्रूफ है जी, जब तक हमारी मांगे नहीं होगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे। भाई कैरियर दांव पे लगा के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ है ना उसकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। मैं कुश्ती कल छोड़ दूंगा, आप बोलो आज छोड़ दूंगा, मुझे अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा मैं, ये लड़ाई मैं अपने जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए लड़ रहे हैं हम सब मिलके, जो यहाँ पे 18-18, 20-20 साल की ये लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, जिनका कैरियर अभी 10-10 साल बचा हुआ है, उनकी लड़ाई है, जो जूनियर खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी लड़ाई है ये। मैंने आपको बताया मारने तक की धमकी देते थे, जब मैं बोल रहा हूँ अगर खिलाड़ी पहले एकजुट हो जाते तो कोई नहीं बोलता, हमारे पास फेडरेशन